कृषि कानूनों के प्रति विरोध बढ़ता ही जा रहा है। किसानों को राजनीतिक पार्टियों के नेता भी समर्थन दे रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस नेताओं ने विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने का प्रयास किया। पुलिस ने उन्हें मार्च नहीं निकालने दिया। हालांकि प्रियंका गांधी को मार्च निकालना काफी महंगा पड़ा। पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें रिहा भी कर दिया गया। बताया जा रहा है कि मार्च निकालने के लिए अनुमति के बिना कांग्रेस द्वारा ये मार्च निकाला गया था। आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 29वां दिन है। किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेता विजय चौक से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसकी इजाजत नहीं दी। इसके बावजूद मार्च निकालने पर प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इनमें केसी वेणुगोपाल और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल हैं। सभी को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन ले जाया गया। प्रियंका ने कहा कि भाजपा नेता और समर्थक किसानों के लिए जो शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं वह पाप है। अगर सरकार किसानों को देश विरोधी कहती है तो सरकार पापी है। प्रियंका ने कहा, कभी वे कहते हैं कि हम इतने कमजोर हैं कि विपक्ष के लायक ही नहीं, कभी कहते हैं कि हम इतने ताकतवर हैं कि हमने दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के लिए लाखों कैंप बना दिए। पहले उन्हें तय करना चाहिए कि आखिर हम क्या हैं। वहीं राहुल गांधी और गुलाम नबी आजाद ने राष्ट्रपति से मिलकर किसानों के मामले में दखल की मांग की है। राष्ट्रपति भवन से निकलने के बाद राहुल ने कहा कि किसान वे छोटे व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। बताते चले कि किसान कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर जुटे हुए हैं। किसानों ने सरकार से बातचीत का प्रपोजल बुधवार को ठुकरा दिया है। किसानों ने कहा कि सरकार के प्रपोजल में दम नहीं है, नया एजेंडा लाएं तभी बातचीत होगी। किसान नेता शिव कुमार कक्का ने कहा कि सरकार किसानों की अनदेखी कर आग से खेल रही है, उसे जिद छोड़नी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.